हमने पिछले चैप्टर में यहाँ तक काम कर लिया था, जेंडर के लिए हो गया, कोर्स कैटेगरी ये तो जेंडर के लिए हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन के लिए अब देखते हैं। तो बीन डॉट सेट DO, डेट ऑफ एडमिशन, तो हमें क्या करना चाहिए, न्यू जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। अब ये डेट लॉन्ग टाइप का मांग रहा है, तो हमें क्या करनी चाहिए, एड स्टूडेंट फॉर्म डॉट DOA, डेट ऑफ एडमिशन डॉट गेट मेथड कॉल करेंगे, गेट डेट कॉल करेंगे, गेट डेट आ गया। अब इसी पे एक मेथड होता है गेट टाइम, ये देखो लॉन्ग दे रहा है ना रिटर्न, तो ये मेथड हमें चाहिए, ये हमने पास कर दिया। इसी को हम कॉपी पेस्ट मारते हैं नीचे। डेट ऑफ एडमिशन में क्या करता हूँ कि सिस्टम से उठा लूँ क्या, सिस्टम से भी आप उठा सकते हैं डेट और डेट टाइम, लेकिन सिस्टम छोड़ दो, रहने दो, मैं सिस्टम से नहीं उठाता, रहने देता हूँ अभी ऐसे ही। DOB यहाँ करता हूँ मैं, बी, और यहाँ DOB कर देता हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ हमने ले लिया यहाँ से, ये दोनों का काम खत्म। अब आता है कोर्स, कोर्स हम कौन सा ले रहे हैं, तो बीन डॉट सेट CO कोर्स, कोर्स को कोर्स बीन चाहिए। कोर्स बीन कैसे आएगा, देखो मैं को यहाँ बाहर लिखता हूँ कोड, फिर उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके। अब हमें क्या करना है, एड स्टूडेंट फॉर्म में क्या है, डॉट कोर्स कोमो बॉक्स है, कोमो बॉक्स में डॉट गेट आइटम नाम से मेथड है, आइटम्स गेट सिलेक्टेड आइटम नाम से मेथड है जो है, लेकिन ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अब इसको लेकिन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, लेकिन हमें किस में टाइप कास्ट करना है, कोर्स बीन में, तो इसको ऐसे करेंगे CORSE, कंट्रोल स्पेस मारूंगा, कोर्स बीन आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे, इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करनी है, आगे देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, सेशन, सेशन स्ट्रिंग में होगा, सेशन की हमें जरूरत नहीं है, कैटेगरी हम लेते हैं, कैटेगरी स्ट्रिंग में रख लेंगे हम, तो बिन डॉट गेट ने सेट कैटेगरी लेंगे, सेट कैटेगरी स्ट्रिंग मांग रहा है, आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड स्टूडेंट डॉट कैटेगरी, कैटेगरी कॉम्पोक डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम्स डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं लास्ट में, डॉट टू स्ट्रिंग हो गया। अब इसके बाद हमें क्या और क्या करना है, कैटेगरी हो गया, मेल फीमेल हमने ले लिया। अब हमें जो है फोटो इमेज स्टोर करना है, क्या स्टोर, अब इमेजेस वगैरह स्टोर करने हैं, तो मैं इमेज स्टोर करूँ उसके पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। सबसे चलो सबसे पहले चलते हैं इमेज अपलोड वाले में, सबसे टॉप में आइए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए इनपुट स्ट्रीम टाइप का, इनपुट स्ट्रीम डॉट PH फोटो इक्वल टू नल, छोड़ देते हैं नल पास करके, अब यहाँ पे इमेज अपलोड हो रहा है, तो हम और एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे कोड, PH फोटो इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसको क्या चाहिए, इसको तो फाइल चाहिए जी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिए,
मैं आपको पहले दिखा लेता हूँ, फिर ऐसे करूँगा। ये देख लो, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग टाइप का नेम भी मांग रहा है, तो मैं यहाँ फाइल नेम पास कर दूंगा इस तरह से। इसमें अब ये एरर आ रहा है क्योंकि इसको ट्राई कैच में हमें लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा हमें। तो कैसे हम ट्राई कैच में लिखेंगे, इसमें क्लिक कर दूंगा और ट्राई कैच में सराउंड हो जाएगा इस तरह से। फाइल नॉट एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे, ये प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, अब आते हैं हम नीचे, मैं आता हूँ यहाँ पे, बीन डॉट सेट फोटो। सेट फोटो में इनपुट स्ट्रिंग मांग रहा है, मैं फोटो नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ यहाँ पे। जो ऊपर वेरिएबल बनाया वही यहाँ पे मैंने पास किया है। अब हमें क्या करना है, अब मैं पहले प्रोग्राम रन करता हूँ, एड स्टूडेंट इस फॉर्म को मैं रन करता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। हमें क्या करनी है कि इन तीनों इमेजेस को, इमेज हमने इमेज के लिए क्या किया है कि इनपुट स्ट्रीम नाम का एक, सॉरी फोटो नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने स्टोर कर लिया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो ऐसे ही स्टोर हो गया, स्टोर हो गया फोटो नाम के वेरिएबल में। लेकिन कैटेगरी जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हम नेम दिखाते हैं, लेबल में कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इसको स्टोर कैसे करना है, हमें स्टोर कैसे करना है, ऐसे करना है कि लेबल में से हम इस फाइल नेम को रीड करेंगे और फिर जो है हम इसको सेट कर देंगे वेरिएबल में। कैसे देखो आप, किस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ एरर आया है और एरर आया है ये मैंने अपनी सर्वर नहीं चालू कर रखी है डेटाबेस की, इसलिए मैंने डेटाबेस का सर्वर चालू कर दिया, अब ये एरर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। मैंने स्टूडेंट लिस्नर, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ, किस नाम से मेथड बना लूँ, गेट, किस नाम से, गेट इमेज या कुछ गेट फाइल नाम से मेथड बना लेता हूँ, गेट ए फाइली फाइल्स। हम इसमें क्या पास करेंगे, लेबल, हम इसमें पास करेंगे लेबल। लेकिन यहाँ पे तो कॉलिंग होगा, मैं लास्ट में बाहर यहाँ पे बनाता हूँ, बाहर अब लिख देता हूँ प्राइवेट गेट फाइल्स, गेट इनपुट स्ट्रीम नाम से मेथड बनाता हूँ मैं, इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि हम इनपुट स्ट्रीम है यहां से लेने वाले हैं फाइल का, और ये क्या लेगा, लेबल। तो मैं ये लेबल लेता हूं इधर, ए डब्ल्यू टी वाला लेबल, और फिर लेबल, और यहाँ पे मैं लेबल पास करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर इस लेबल को आता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर, डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में सिर्फ प्रिंट कर रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा मैंने। अब लेबल का नाम क्या क्या है वो मैं खोज करके फिर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। तो ये सारे लेबल का नाम है, इन सभी को मैं यहां से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और इन सबको कमेंट आउट करता हूँ। इस मेथड को यहाँ पे आता हूँ और मेथड यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ऐसे, और इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो एरर आ रहा है तो मुझे ऐड स्टूडेंट पे आना पड़ेगा, डॉट एल लेबल आ गया, लेबल मैंने यहाँ पे पास किया। ये
लेबल ही है और कुछ और भी है। जे लेबल, जे लेबल होना चाहिए, लेबल नहीं होना चाहिए, जे लेबल। AWT के अंदर से जो इंपोर्ट हमने किया था वो लेबल नहीं, ये देखो जावा डॉट स्विंग डॉट के अंदर से जे लेबल होना चाहिए, इसीलिए एरर आ रहा था वो। लेबल नहीं होना चाहिए, जे लेबल होना चाहिए जो स्विंग पैकेज के अंदर है। मैं प्रिंट करता हूँ, मैं रन करके प्रोग्राम। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ये आ गया, सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, कुछ नल वगैरह आ रहा है। डेट टाइम, बिकॉज डेट टाइम मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा है इसलिए एरर आ रहा है। मैं थोड़े देर के लिए इन कमेंट आउट करता हूँ इनको, फिर से मैं रन करूंगा प्रोग्राम। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इधर, फिर से कुछ एरर आया, ऑब्जेक्ट बिकॉज रिटर्न नल, कुछ सेलेक्टेड नहीं है ना इसलिए ऐसा एरर आ रहा है। यहाँ पे कैटेगरी में कुछ हमने रखा नहीं, एम्प्टी है इसलिए एरर आ रहा है। इसको भी कमेंट करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। फिर से रन करता हूँ मैं, अब उम्मीद है कि अब कोई एरर ना आए। सेलेक्ट करता हूँ मैं फाइल, अब ये देखो, अब यहाँ पे आप देखो कि ये आ चुका है यहाँ पे ऐसा, इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला फाइल चाहिए, तो ये वाला फाइल चाहिए, तो एक तो तरीका है कि मैं स्प्लिट कर दूं यहाँ पे इससे, यहाँ पे स्प्लिट कर दूं। स्प्लिट कर दूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे, डॉट यहाँ पे करता हूँ, फिर स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट करने के बाद ऐसे, और यहाँ पे कॉलन दिया, स्प्लिट करके मैं प्रिंट कर देता हूँ, फिर आप देखना क्या होता है। फिर से मैंने सेलेक्ट किया फाइल, ये देखो स्प्लिट किया, तो अबे एरे के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जीरो पास कर देते हैं हम, क्योंकि स्प्लिट करेंगे तो एरे पर रिटर्न करेगा, और एरे जब वो रिटर्न करेगा तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, अब हमने जीरो और वन को हमने अभी प्रिंट करा, अब मैं इसको करता हूँ। आप ये देखो, अब ये जो है ये पहला इंडेक्स का प्रिंट हो रहा है, पहला इंडेक्स ये वाला प्रिंट हो गया तो फाइल आ गया, और दूसरे इंडेक्स में क्या है, वन में क्या है, ये वाला है फाइल नेम। तो हमें यही तो चाहिए था, तो हम या तो स्प्लिट कर लें, या तो हम लेबल में सिर्फ ये नाम स्टोर करें। तो मैं फाइल के साथ कॉलन के साथ मैं ये नाम रखना चाह रहा था, तो हमें वन इंडेक्स में मिल जा रहा है फाइल का नेम। बस हमें और कुछ नहीं करना, 1 मिनट। अब देखो आप, इसको मैं करता हूं डिलीट, और ये इनपुट स्ट्रीम हम रिटर्न कर देंगे। इतने सेक्शन में क्या आ रहा है हमारा, इतने सेक्शन में हमारा फाइल का नेम आ रहा है। अब इसको हमें कहां पास करना है, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल फाइल इनपुट स्ट्रीम, इस तरह से। अब ये एरर दे रहा है, फाइल ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। हमने लगाया ट्राई कैच और यहाँ पे रिटर्न कर दिया ऐसे। अब जैसे ही मैंने ये रिटर्न किया है तो ये कह रहा है मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करो, तो मैं मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करके कर दूंगा इनपुट स्ट्रीम।
इनपुट स्ट्रीम हमने कर दिया। अब इनपुट स्ट्रीम करने के बाद क्या है? अब आप कह रहे होंगे कि रिटर्न टाइप आपने जो है इनपुट स्ट्रीम रखा है और रिटर्न आप फाइल इनपुट स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास में रखा जाता है। और सबसे लास्ट में हम चाहें तो यहाँ पे रिटर्न नल कर दें। जैसे ही हम रिटर्न नल करेंगे तो क्या होगा, जो है एरर गायब हो जाएगा। या तो नल रिटर्न कर दो या तो इसे रिटर्न कर दो, यही है, हमारा काम हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे, बीन डॉट सेट कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या आएगा, कैटेगरी का लेबल। तो यहां से मैं कैटेगरी का लेबल उठाता हूँ, इनपुट मेथड को मैं कॉल करता हूँ और कैटेगरी लेबल को डाल देता हूँ, एड स्टूडेंट डॉट एल कैटेगरी लेबल, लो ऐसे चला गया। फिर बीन डॉट सेट डी डी ओ ये वाला, इसमें भी हमें क्या करना है, एड स्टूडेंट डॉट एल डी ओ ये वाला लेबल चाहिए। अब ये एरर बोल रहा है, एरर क्यों बोल रहा है भाई, इनपुट स्ट्रीम टाइप का लेबल हमें मेथड के अंदर इसको डालना है, इनपुट इस तरह से। देखो इस लाइन का मीनिंग मैं आपको बताऊं क्या है, इनपुट स्ट्रीम क्या है, फंक्शन, समझ रहे हो आप, ये वाला फंक्शन है इनपुट स्ट्रीम, ये वाला मेथड है। अब ये मेथड जो है रिटर्न क्या करता है, इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करता है, तो इनपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास हो जाएगा, यहाँ पे पास हो जाएगा इनपुट स्ट्रीम, और इसको क्या चाहिए, इसको तो इनपुट स्ट्रीम ही चाहिए था, तो ऐसे ही होगा काम यहाँ पे। अगला देखो आप, बीन डॉट सेट 10, 10 का चाहिए, तो हम एड स्टूडेंट डॉट टी एन 10 का हमें लेबल चाहिए, इनपुट, सॉरी ये नहीं, इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर ऐसे पास कर देते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और 10 के जगह पे मैं 12 करता हूँ ऐसे। LTU 12 हो गया, सेट TW 12 वाला EL हो गया। लगभग हमारा काम अब खत्म हो चुका है, मुझे लगता है कि सारा मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अब रही बात की डेट ऑफ बर्थ, ये भी मैं डिलीट करता हूँ, पूरा अनकमेंट करता हूँ यहाँ पे, इस तरह से पूरा अनकमेंट करते हैं। कैटेगरी, रुको जाते हैं हम कैटेगरी के पास, यहाँ पे आ गया मैं कैटेगरी इस वाले एड स्टूडेंट क्लास में, और कैटेगरी के कोमो बॉक्स में हमें क्या करना है, कुछ कैटेगरी स्पेसिफाई करना है, यही है कैटेगरी, यहीं पे मैं कैटेगरी डाल देता हूँ। ये पीला पीला वार्निंग दे रहा है क्योंकि इसको जेनेरिक बना देता हूँ मैं, इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा आने वाला है इस टाइप से लोगा वो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। हो गया, ये जेनेरिक बन चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, डॉट एड आइटम स्ट्रिंग में पास्ट कर देते हैं, ST SC OBC जेन, हो गया हमारा काम।
ये कह रहा है कि वही जेनेरिक वाला प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ऊपर भी सेट करो जी जेनेरिक आप। एक सेकेंड, मैसेज कौन कर रहा है, आगे देखते हैं। जेनेरिक वेनेरिक छोड़ो, अब क्या करेंगे बना के, अब टाइम नहीं इतना मेरे पास। कहाँ था मैं तो भूल ही गया। अब सेव करते हैं इसको, ऐसे आते हैं स्टूडेंट लिसनर में। हमने इतना सेट कर दिया है, अब इसके आगे हमें क्या करना है। आते हैं इसको ऐसे, अब आते हैं डाओ में, न्यू क्लास बनाते हैं ऐसे, ये कोर्स डाओ है, कोर्स डाओ नहीं बनाना चाहिए था नाम, हमें नाम बनाना चाहिए था ये स्टूडेंट डाओ, ये स्टूडेंट डाओ। हो गया, अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, सेव पब्लिक बुलियन सेव और सेव में क्या चाहिए हमें, ये स्टूडेंट का बीन बीन स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। ये एरर कह दे रहा है, रिटर्न टाइप मैंने नहीं किया ना, इसलिए हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सी ओ एन एन इक्वल टू डी बी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे। अब इसके बाद सी ओ एन एन सॉरी, इधर प्रिपेयर स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट इक्वल टू पी एस इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसको चाहिए एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या करें, ये बोल रहा है ये ट्राई कैच में रखो, डाल देंगे ट्राई कैच के अंदर, क्या जाता है हमारा, एरर आ रहा है, आने दो। हम जाएंगे यहाँ पे और हम अपना देखते हैं एसपीवाई एडमिट, जीआरडीसी में आते हैं, स्टूडेंट में आते हैं, क्वेरी में टाइप करके ना, समय उतना ज्यादा लगाने के मूड में नहीं हूं, तो हमें क्या करनी है, सीधा इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूं और आ गया यहाँ पे इतनी सारे सारे वैल्यूज को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, डिलीट। नेम हमें स्टोर नहीं करना है, नेम को मैं कर दूंगा, सॉरी आईडी को नहीं स्टोर करना है, आईडी को मैं कर दूंगा गायब, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है ना, बस काम हमारा हो चुका है। इसी को मैं करूंगा कॉपी और सीधा इसको हटना यहाँ से, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, इस तरह से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा ऐसे, फिर यहाँ पे कर दूंगा ऐसे, फिर यहाँ पे आके कर दूंगा नीचे ऐसे। जरूरी नहीं है कि आप भी एंटर कर दो इस तरीके से, मैं सारा क्वेरी दिखे मुझे, इसलिए मैंने इस तरह से एंटर किया है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13 14 15 16 17 18 19, 19 कॉलम है तो 19 क्वेश्चन मार्क यहाँ देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 क्वेश्चन मार्क हो चुके हैं हमारे। अब आता हूँ मैं इसके नीचे, यहाँ पे अब मैं सेट करना शुरू करता हूँ, पी एस डॉट सेट ए स्ट्रिंग। ये कह रहा है पैरामीटर का इंडेक्स 1 दे दूंगा और ये कह रहा है स्ट्रिंग दो, तो मैं यहाँ पे बी डॉट गेट नेम कर दूंगा, गेट नेम हो चुका। अब इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, पैरामीटर में 2 पास करूंगा
और यहाँ फादर नेम कर लूंगा। सबसे पहले नेम यहाँ पे लिया है तो मैंने यहाँ पे नेम लिया पहला में, दूसरे में फादर नेम है तो यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में फादर नेम लिया, तीसरे में मदर नेम है तो मैं तीसरे में मदर नेम लूंगा। तो इसी तरह से मैं लेते जाऊंगा, एम लिख कंट्रोल स्पेस तो मैं मदर नेम ले लिया, पैरामीटर में मैं डाल दूंगा 3। मदर नेम के बाद जेंडर है तो मैं जेंडर ले लूंगा, और इसके बाद 3 के पास 4, 4 कर दूंगा। चौथे ईमेल है उसके बाद तो ईमेल करूंगा ऐसे, और फिर चौथा के बाद 5वां कर दूंगा, पेस्ट। ईमेल के बाद मोबाइल है, मोबाइल 1 कर देंगे, और फिर यहाँ पे मोबाइल 2 कर देंगे, मोबाइल 2, और इसको कर दूंगा मैं 6, इसको कर दूंगा मैं 7। मोबाइल 2 के बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ, हाँ डेट ऑफ बर्थ है, गेट डीओ, डीओबी है, इसको मैं 6, 8, 7 के बाद 8 कर दूंगा। स्ट्रिंग की जगह पे डेट कर दूंगा, सेट डेट, ये लो आप इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ में डेट आ रहा है ना, इसलिए डीओबी की जगह पे डे ऑफ एडमिशन होगा, डेट ऑफ एडमिशन लिखा होगा। फिर यहाँ पे 9 के बाद कर दूंगा मैं, 8 के बाद कर दूंगा मैं 9। इसके बाद आ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में ले लूंगा यहाँ से इस तरह से, 9 के बाद 10 कर देता हूँ इसको, डेट की जगह पे कर दूंगा स्ट्रिंग STRING। कैटेगरी के बाद स्टेट है, स्टेट कर दूंगा, इसको कर दूंगा मैं 11। ये ऊपर वाले कितने फील्ड हैं, डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ मैं 11 के बाद, चलो 12 ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद एड्रेस कर देते हैं 13। हम अभी कोर कोडिंग कर रहे हैं तो इतना लिखना पड़ रहा है, फ्रेमवर्क पे काम यदि करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा हमें, जो है फ्रेमवर्क में बहुत शॉर्टकट काम हो जाता है। गेट बीन डॉट गेट, कोर्स आईडी हमें चाहिए तो कोर्स ले लिया, फिर डॉट करेंगे, फिर गेट आईडी करेंगे यहाँ पे तो गेट आईडी, और यहाँ पे इंट कर देंगे। जैसे स्प्रिंग बूट वगैरह पे हम काम करेंगे तो फिर इतना हमें नहीं लिखना पड़ेगा, इस तरह से कोड जो है उसमें थोड़े अलग लेवल के कोड आते हैं। कोर्स के बाद आता है फोटो, तो हमें गेट पीएच फोटो करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेट इंट की जगह पे स्ट्रीम सेट किया जाता, सेट सेट बाइनरी स्ट्रीम कर देंगे। तो देखो सेट बाइनरी स्ट्रीम में क्या मांग रहा है, पहला इंडेक्स मांग रहा है। अब देखो डेटाबेस में इमेजेस को स्टोर करने के लिए कई तरीके हैं, या तो आप सेट बाइनरी स्ट्रीम कर लो, या तो सेट ब्लॉब कर लो, या तो जो है सेट बाइट के रूप में बाइट एरे को आप जो है डेटाबेस में स्टोर कर लो। तो बाइट्स एरे भी आप स्टोर कर सकते हो डेटाबेस में, ब्लॉग भी स्टोर कर सकते हो आप डेटाबेस में, ब्लॉब से भी हो जाएगा, इनपुट स्ट्रीम मांग रहा है यहाँ पे और इंडेक्स मांग रहा है। बाइनरी स्ट्रीम भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम मांग रहा है और लेंथ मांग रहा है, और बाइट्स में बाइट एरे मांग रहा है। मैं बाइनरी स्ट्रीम सेट करता हूँ, तो बाइनरी स्ट्रीम सेट किया, आप चाहें और यहाँ पे कॉमा लगाएं और दे दे लेंथ, तो डॉट अवेलेबल यदि करोगे तो ये लेंथ काउंट हो जाएगा। इस तरह से जो है, एरर किस बात का दे रहे हो भाई, अबे कह रहा है ट्राई कैच में लगाओ, तो मैं इसी को ना एसक्यूएल एक्सेप्शन में एक्सेप्शन लगा दूंगा तो खत्म हो जाएगा ये एरर। ये देख लो 14 को यहाँ पे 15, ओ सॉरी 1 मिनट रुकना मैं चार्ज में लगा लेता हूँ, बैटरी खत्म हो रहा है। अब फोटो के बाद कैटेगरी एप स्टोर करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे 15 14 15 हो गया, अब 16 करते हैं। अब गेट फोटो के जगह पे क्या करेंगे, कैटेगरी एप स्टोर करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे ऐसे गेट कर देंगे,
16 के जगह पे यहाँ कर देंगे 17, और कुछ डी डी ओ है, डी ओ ये ले लेंगे, और यहाँ पे आ करके भी ऐसे कर देंगे। 17 के बाद अब लेते हैं हम 18। 18वां में 10th का है, 10 TN 10 TN 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, 19 कर देते हैं, 10 के बाद 12 है, W कर देते हैं यहाँ पे, ओ नहीं, TW 12 ऐसे है, और यहाँ पे भी हम कर देंगे 12। इतना हो गया, मुझे लगता है कि अब सारा हमने काम कर, 12 ही स्टोर हो ही गया है। इसके बाद हमें क्या करने का, ps.execute execute कर देंगे हम, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं execute int i = ऐसे, और मैं यहाँ पे आता हूँ ऐसे और प्रिंट कर देता हूँ आई को। एरर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, बूलियन रिटर्न करेगा, 1 मिनट, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड हमें कॉल करनी चाहिए, तो ये आ जाएगा। अगर ये 1 रिटर्न करता है तो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड माना जाएगा, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। नहीं, यहाँ पे तो रिटर्न फाल्स ही करना है, फाल्स हो जाएगा, और रिटर्न ट्रू ऊपर में करना है हमें। ये कोड हम बदलेंगे, लेकिन मैं अभी इसको ये रहने देता हूँ। आप चलिए, हमारा कोड लगभग कंप्लीट हो गया, और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, आता हूँ मैं ऐड स्टूडेंट लिसनर में, और यहीं पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट डाओ को कॉल करूँगा, और डॉट न्यू के साथ हम कर देते हैं, न्यू स्टूडेंट डाओ डॉट सेव मेथड, और कर दिया कॉल इस तरह से। अभी मैं इतना ही करके प्रोग्राम को रन करता हूँ, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा तो सही, नहीं होगा तो सही, फिर हम छोड़ देंगे अभी इतने से। रन हो जा भाई प्रोग्राम, मैं यहाँ से फोटो स्टोर कर लेता हूँ, ये लो, एक ही फोटो में हर जगह ले रहा हूँ इस तरह से। नेम कुछ भी मैं फिल करता जा रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैं ऐसे ही ले रहा हूँ अभी, एक दो मोबाइल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेल एड्रेस INDIA इंडिया, सब कुछ इंडिया। सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, वाओ, तालियां बजाइए, यहाँ पे वन प्रिंट हो गया, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया होगा। कहेंगे सबूत क्या है, मैं ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूँ, और बस यहाँ पे देखो डेटा सारा स्टोर हो चुका है। ये देखो जो भी आपने डेटा स्टोर किया था वो ब्लॉब के फॉर्मेट में आ गया है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो ये फोटो यहाँ पे स्टोर हो चुका है, डाउनलोड हो गया, ये फोटोग्राफ्स है, यही फोटोग्राफ्स अपलोड हुआ है। तो मिलते हैं हम, चलिए मैं पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, यही हमने कोड आज लिखा है, इसको और मैसेजिंग वगैरह के साथ हम अगले सेशन में इसको देखते हैं। चलिए, आप सब शुभ रात्रि, सो जाइए, लेकिन आप काहे के लिए सोओगे, मैं इतना रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ।